ये अभी सेवेंथ ईयर है तो परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड्स जब हम बात करते हैं तो ये अचीवमेंट के लिए होती है। और यहाँ जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, यहाँ तक कि जितने नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स भी जो हमारे यहाँ आते हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब अपने आप में एक अचीवर्स है, तो उनका अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रिटीज़ जो आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली उनके क्षेत्र से हैं, जैसे वेब सीरीज़ के लिए है, फिल्म्स के लिए है, डोनल बीस्ट आ रही है, एक मिनट रुको, मुझे सबके सच में नाम नहीं पता है, हाँ मुझे सच में इनको पता है कितने कौन आ रहे हैं, हाँ संग्राम है, पायल है, हाँ ठीक है सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम अपने अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हैं। और जितने भी कंटेस्टेंट्स, जितने भी अचीवर्स यहाँ अवार्डीज जो नॉमिनेशंस आते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में इतने हद तक अपने डेडिकेटेड हैं, तो उनको जब हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, हम जब उनको हॉनर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी तब मिलती है। जी कंपटीशन भी है, परफेक्ट मिसेस इंडिया है, ये सीज़न 5 है, ये 5 ईयर्स से हम लोग कर रहे हैं, जहाँ वुमेन्स फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, मैरिड वुमेन्स, वो लोग अपने एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं और विनर्स जो होते हैं वो ट्रॉफी लेके जाते हैं। सो नॉर्मली ज़्यादातर हम देखते हैं 3 विनर्स होते हैं, पर यहाँ कुछ ट्विस्ट है इसमें, परफेक्ट वुमेन करके एक स्पेशल, बिकॉज परफेक्ट वुमेन मैगजीन प्रेजेंट करती है, तो एक विनर होती है जो परफेक्ट वुमेन ऑफ द ईयर होती है। और मैगजीन के बारे में पूछो, अभी 13 ईयर्स हो जाएंगे, हाँ मैं जनवरी में पार्टी दे रही हूँ। जी परफेक्ट वुमेन मैगजीन इज ऑल अबाउट फैशन एंड लाइफ स्टाइल मैगजीन, सो दिस जनवरी वी आर गोइंग टू बी कम्प्लीटिंग 12 ईयर्स, इट्स लाइक वी आर 13th एनिवर्सरी, सो वी आर जंपिंग इन द 13th ईयर, सो इट्स मोर एक्साइटमेंट एंड मोर ऑफ द क्रेज इज देयर, बिकॉज सिंस 12 ईयर्स वी हैव बीन डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स, एंड वुमेन्स आर अचीवर्स इन देमसेल्फ, दे आर, जैसे हम कहते हैं वुमेन एक नारी है, एक शक्ति है, सो दे आर द रियल वॉरियर्स। सो उन लोगों को जब हम लोग कवर करते हैं इंटरव्यूज़ में, उनके साथ में लाइव सेशंस होते हैं, तो एक अलग ही खुशी मिलती है, तो इट्स लाइक अ वंडरफुल जर्नी ऑफ 12 ईयर्स नाउ। जी, थैंक यू सो मच। वैसे परफेक्ट फैशमा जो हमारे एग्जीबिशंस होते थे, एंड सिंस आई बीन इनटू द कॉस्मेटिक वर्ल्ड, आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, सो आई एम जस्ट रिसेंटली ऑल सेट टू लॉन्च माय ओन ब्यूटी ब्रांड, एंड द नेम इज़ फैशमा ब्यूटी। सो फैशमा इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, होममेड प्रोडक्ट्स विच आर वेरी, यू कैन से फोकस्ड ऑन ऑर्गेनिकली मेड प्रोडक्ट्स, एंड व्हेन यू यूज इट यू लव इट। थैंक यू। क्यों मेरे अनुषा के बारे में पूछो? Anusha, I wanted to say about Khushi ma'am, about the Perfect Woman Award and other
It takes one perfect woman to have an award which is called the Perfect Woman Achiever Award. She is one of the most beautiful women I've ever met. And जो बोलती है वो करती है. एक साल अवार्ड करना बहुत आसान है, मतलब गली कूची में भी एक एक अवार्ड निकलते हैं, पर उसको 12 साल खींचना और एक मैगजीन साथ में चलाना वो सिर्फ खुशी ही कर सकती है. इतना आसान काम नहीं है, लेकिन खुशी के लिए कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है. When she comes into the room and she laughs, well, वही तो जिंदगी बन जाती है. या संग्राम सिंह भी हियर, पायल रोहतगी इज हियर, करणवीर गोरा देयर, पूनम पांडे इज देयर, डोनाल्ड बिस्ट इज देयर, अमित बहल इज देयर, लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर, सुधीर पांडे इज देयर, लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग. सो जीदूराज ना, जीदूराज इज गोइंग टू बी हियर एंड देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अदर जर्नलिस्ट्स आल्सो. सो नेक्स्ट ईयर आई थिंक ऑल यू गाइस विल आल्सो फॉल इन लीव. माय प्लेजर. खुशी, कैन आई आस्क यू समथिंग? टेल मी अबाउट हाउ यू हैव डिसाइडेड टू डू द अवार्ड्स दिस ईयर. मतलब कोविड में भी आपने अवार्ड्स किया? इट वॉज ऑलवेज बिकॉज एक स्पार्क होता है कि नहीं, हमारी पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एंड वी हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशंस. सो इट्स लाइक वी जस्ट ट्राई टू पुश एंड वी आर ट्राइंग टू पुश आवर सेल्फ टूवर्ड्स द सेम गोल सो दैट इट कम्स ऑन ट्रू एंड वी कैन ब्रिंग द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल्स, ऑल द एक्सपेक्टेशंस कम ट्रू. थैंक यू सो मच. आपके नेक्स्ट कवर में अभी तो दीप्ति भी यही विनर मेरी. सो टेल अस अबाउट द पेजेंट ना जो आप करते हैं. ये पेजेंट बहुत इंटरेस्टिंग पेजेंट है. पेजेंट परफेक्ट मिसेस इंडिया. इसमें देर इज नो समथिंग दैट स्पेशल इज देर इज नो क्राइटेरिया एट ऑल फॉर द पार्टिसिपेशन. यहाँ जितने भी लोग कम्पीट कर रहे हैं सो प्रोबेबली यू विल सी इट्स ऑल अबाउट एम्पावरमेंट एंड देर आर नो सर्टन थिंग्स लाइक नो कलर कैन बी द बैरियर फॉर योर करियर. इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ. आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको स्टेज और क्राउन तक ले जाता है. एंड नो दिस इज टोटली एंटी बॉडी शेमिंग. There yes, absolutely. No, you will see that there is nothing such that you have to be perfect fit enough, because Indian women as it is they come in all shapes and sizes. We have to accept them and accept their flaws also. So this is the basic theme, okay? Whatever you are, whoever you are, you have to be comfortable in your own skin and you have to keep on smiling. That's it. And that's perfect. That's perfect. Ki khushi mein meri khushi hai, jab bhi bulaye pahunch jaungi. Thank you. Very hard to find a good friend and she is the gem in my life. बाकी सब लोगों को मैं जानती हूँ, दोस्त कहना बहुत मुश्किल है. ये मेरी दोस्त है. Thank you so much. Thanks, Ushna. Thank you. Thank you. Yes. Sorry. What? About this award and the magazine event. Dedicated to women achievers. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Firstly, congratulations to the Perfect Woman. India's leading monthly magazine. I think anything for women, मुझे बहुत अच्छा लगता है. चाहे वो मैगजीन हो, चाहे उन्हें तवज्जो देना हो, चाहे उन्हें प्यार देना हो, I'm always for it. और आज का जो दिन है अपने आप में एक इंटरनेशनल मैंस डे है एंड वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ लव टू वुमेन. आई थिंक आई लव दिस के इन दोनों दिनों को कम्बाइन किया गया है. सो कंग्रेचुलेशन एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट वी रिसीव इन अवार्ड अगेन. मतलब ये पहली बार हुआ है कि म्यूज़िक वीडियो के लिए इतना सारा प्यार मिल रहा है. अभी हमने जो म्यूज़िक वीडियो किया तेरे जिस्म से, इट हैज़ क्रॉस्ड ओवर 6 मिलियन मार्क हार्डली इन लाइक अराउंड 7-8 डेज टाइम. हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इट्स अ लवली सॉन्ग और उसके लिए इतने सारे राणा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है हमें. इस गाने के लिए ये अवार्ड हमें मिल रहा है. सो इट्स एन ऑनर एंड इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड. या गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. दो फिल्में आ रही है, कुतुब मीनार, पाताल पानी. एक इनफैक्ट आज ही हमने एक फिल्म सेंड किया इंटरनेशनल मेंस डे एंड डूइंग अ साउथ प्रोजेक्ट आल्सो. सो गॉड्स ग्रेस, थिंग्स हैव बीन वेरी गुड. टच वुड. हेलो, शी इज द एडिटर ऑफ परफेक्ट वुमन. ओह खुशी, व्हाट अ परफेक्ट वुमन यू आर. हां, आई लव योर वॉडी रिंग गुरु. क्या बात है, ये देखिए. हाय हाय हाय, इंटरनेशनल मेंस डे पे आपने अपने पति का नाम पहना है और वो भी गुरु. यस. हाँ, आप हो उसकी गुरु है, वो है आपका गुरु, दोनों एक दूसरे. क्या बात है, दिस इज फैंटास्टिक. सीरियसली, सो इट्स वंडरफुल टू हैव हिम बिकॉज़ द ओपनिंग इज विद हिम. ओह लवली. कम कम कम, इट्स इट्स कम अनुषा, कम कम अनुषा, कम. आप भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लग रही है अनुषा. थैंक यू जी, आपके कलर कॉम्बिनेशन किया है. आई नो रियली, वो मेरी 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 नानी का फेवरेट कलर है, खसखसी बोलते हैं उसे. सो आई लव इट, बट कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट. प्लीज
हाँ, के बाद बुला लेते हैं। आपने परफेक्ट वुमन एक नाम चूज किया है, आपके लिए एक परफेक्ट वुमन क्या है ये बताइए मुझे। परफेक्ट वुमन तो हर इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। परफेक्ट वुमन किसी चीज़ का डेफिनेशन का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में ही जिस तरीके से कहते हैं कि वुमेन एक शक्ति है, नारी है, शी इज़ अ वॉरियर, शी कैन हैंडल एवरी एस्पेक्ट वॉट एवर चैलेंजेस आर बीन गिवन टू हर। तो आई फील परफेक्ट वुमन, एवरी वुमन इज परफेक्ट, शी इज परफेक्ट, एंड आई एम श्योर अबाउट योर वाइफ इज परफेक्ट। नो 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 वाइफ, मैं तो बोलता हूँ मेरी माँ, सबकी माँ परफेक्ट है, एब्सोल्युटली, सबकी दादियाँ परफेक्ट है, सबकी नानियाँ परफेक्ट, सबकी बीवियाँ परफेक्ट है, सबकी बच्चियाँ परफेक्ट है, हमने ये स्टैम्प कर दिया कि हर एक औरत परफेक्ट है, मैन आर नॉट परफेक्ट। नहीं ये गलत, देखो मैंने सोचा था कि गूगली क्वेश्चन दो, लेकिन ये इसमें भी पास हो गए। I'm sorry, I've been this way since a very long time. A lot of people are going my way. I'm kidding, but I like it. You know what? मुझे ये अच्छा लगता है कि see, being bold is an attitude. Yes. कोई भी bold नहीं हो सकता, मतलब कोई bold पैदा नहीं होता है। रणवीर सिंह इज बोल्ड, करण जौहर इज बोल्ड, पूनम पांडे इज बोल्ड, उर्फी इज बोल्ड, यू नो दीज पीपल आर बोल्ड, यू नो इट टेक्स करेज टू ड्रेस लाइक दैट, टू बी लाइक दैट, टू शो योर सेल्फ एंड नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, you know, that's what. And so I really appreciate yourself like that is also so very difficult. Yes. Nobody can wear your clothes and get away with it. Yes, nobody can get away with it. You're cool. Sir, हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं, हर इवेंट में कुछ नया ड्रेसिंग सेंस होता है इस इवेंट में। आप तो आपने अभी देखा है मुझे, आप काश मुझे पहले भी देखती। It has always been, मतलब मैं बचपन से ही, ये सारा श्रेय मैं मेरी परफेक्ट वुमन माँ को देना चाहूंगा। She used to love dressing me. आप मेरे अगर बचपन के कपड़े देखें तो बेल बॉटम्स वगैरह, मतलब बहुत, मतलब she used to really dress me up. She loves dressing. So I think वो जो trait आई है मुझे अपनी माँ से आई है. That's what. You very amazing in the video and you very, I mean, मतलब acting बोला तो वो होता है acting. मजा आ गया आपको देख के. सिर्फ इस गाने को नहीं, आगे और भी गाने आ रहे हैं, उनको भी फिल्म आ रही है, उनको भी प्यार दे, बेसिकली प्यार दे। Yes, absolutely. We may not be perfect like the women, but we are there. Yes, we are there to support. Yes, of course. It is, as it is said, it's not possible for just one gender. It's an equality. Absolutely. So we just have to like keep our hands together and go ahead. You know, we're planning a perfect man cover. अरे मत करो, there's no perfect man ever. Just man रख दो. I am silent रखते हैं. हाँ, I am silent रखते हैं. Absolutely, it's wonderful to have you. Such a pleasure. Thank you so Please much. Come. Thank you. I just want to thank the organizers of Perfect Achievers Award for having me here and giving me this award. Actually, कोई भी award छोटा या बड़ा नहीं होता, award award होता है, और हर कलाकार के लिए, हर artist के लिए awards बहुत मायने रखते हैं। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, आपको जब अप्रिसिएशन मिलती है, आपको जब अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। एंड यही एक फैक्ट है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ इतने साल मैंने जो मेहनत की है, तो हर अवार्ड मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई फील रियली हैप्पी रिसीविंग दिस टुडे, and I want to thank the organizers for giving me this award, for giving me this opportunity ke main zyada aur zyada kaam karun, zyada mehnat karun, apne audience ko zyada hasaun aur bas khushi dun, entertain karke. So that's and that. Which one your upcoming projects is there? Well, there's a very exciting news, but abhi main nahi bol sakti. बहुत टाइम से फिल्म नहीं की है मैंने, जो अब करने जा रही हूँ इस साल, तो फिल्म का नाम और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूँगी, लेकिन या सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ वेरी
a very successful show called Kabhi Kabhi Ittefaq Se on Star. Wo just khatam hua, and then I've taken a small break from TV. I'm doing this shooting for this film as of now. And of course, we'll get back to television soon. Very soon. Thank you. खुशी जी आप आइए यहाँ पर, हम आपके बगैर इंटरव्यू नहीं देंगे आपका. यस खुशी जी के बारे में क्या बोलूँ, ये मेरी प्यारी प्यारी दोस्त है, मेरी जान है. yes. हम मैं तो बचपन से बड़ी हुई. हाँ, ये बड़े हुए हैं हमारे सामने, बिकॉज शी प्लेड द लीड रोल इन माई फर्स्ट फिल्म. सो आई यू कैन रिलेटेड के कब से मैंने इनको बड़ा होता देखा है. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ खुशी. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर वे ऑफ कंडक्टिंग दिस अवार्ड एंड ब्रिंगिंग वुमेन आउट एंड हैविंग दिस फैशन शो एंड क्राउनिंग वुमेन. आई थिंक सो मैंने कुछ साल पहले जज किया था, आज भी मुझे जूरी के हिसाब से बुलाया है खुशी ने. और कुछ साल पहले कंट्री क्लब में ना हम लोगों ने ये परफेक्ट वुमेन अवार्ड्स किए थे और मैं जूरी थी. और जिस तरह की पूरे इंडिया से वुमेन गर्ल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ साइज शेप हाइट कलर कल्चर she had included in the competition and for the crowning, that said a lot. It said a huge volume. It means a lot. aapko auraton ko motivate karna hai, and however they are, whatever they are, from wherever they are coming, they are beautiful, they are perfect in their own attire, own life. And with this magazine and with this award, Khushi states it loud and clear. So I'm very proud of her. Thank you so much. You're a producer also, so producer because. Yes, I'm a producer. She's also a writer. She's a multi-talented person. She's always tied up with some of the other things. These days, you will see her fitness freak. So sweet. Yes. Thank you. My new show is coming. Showstopper. Very soon on an OTT platform, which I cannot disclose right now because of certain legal things, you know how it is. आज जीनत अमान जी का बर्थडे है, तो आज ही मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे उनकी रील डाली है. आई एम बीइंग शूटिंग विथ हर सिंस लास्ट लाइक फ्यू मंथ्स. और ये शो जल्द ही नेक्स्ट ईयर एक बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है. जरीना जी हैं, जीनत जी है, बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं. सौरभ जैन इज प्लेइंग लीड, श्वेता तिवारी इज देयर, लॉट्स ऑफ अदर एक्टर्स आर देयर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो. यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को, क्योंकि मीडिया में अनगिनत जर्नलिस्ट है और उनमें से एक महिला पत्रकार होने के नाते मुझे ये पुरस्कार मिला है. मैं ऑर्गेनाइजर्स का बेहद बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, गुरु जी का और खुशी जी का, और साथ साथ हमारी मीडिया फ्रेंड अनुषा जी का. इन सभी की मेहनत से, कोऑर्डिनेशन से मुझे ये अवार्ड मिला है. और मैं चाहती हूँ कि अपने अच्छे अच्छे आर्टिकल के जरिए, हार्डवर्क और रिसर्च के साथ, मैं और अच्छे आर्टिकल लिखूं और ख़ुद को और सक्षम और काबिल बनाऊं. मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज ही ये पुरस्कार मिले और आज ही ये खबर पता चली कि तबस्सुम जी नहीं रही. अनफॉर्चुनेटली मेरा उनसे हाल फिलहाल में तो मिलना नहीं हुआ. एक अवार्ड फंक्शन में ज़रूर मिली थी वो, और उन्होंने मुझे अपना नंबर साझा किया था और कहा था कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना बेटा और आ जाना मिलने. पर जीवन की आपाधापी में ऐसा संजोग नहीं बना. लेकिन दो साल पहले जब कोरोना और लॉकडाउन के वक्त हम सब लोग घर पर थे, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया था और उसी समय वो हॉस्पिटलाइज हुई थी. और उन्होंने कहा था कि मैं इस वक्त ठीक नहीं हूँ, काफ़ी वीकनेस महसूस कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द हम सभी मिलेंगे और मैं ज़रूर आपको इंटरव्यू दूंगी. और उन्होंने मुझसे ये पूछा भी कि क्या आप इन कैमरा इंटरव्यू करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त मैं कुछ अच्छी नहीं लग रही हूँ, वीकनेस है मुझे, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कैमरे के सामने कुछ कहूँ. लेकिन अगर आप मेरा इंटरव्यू प्रिंट के लिए करना चाहते हो
तो मैं ज़रूर बात करूँगी. लेट मी ऑल राइट इन सम डेज एंड वील डेफिनेटली मीट अप. I think I'm very honored. I'm very grateful. It was lovely meeting them. I think मैं आज पहली बार मिली हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं. एंड मैं बोल लूँ या बीच में मैम मैम करेंगे? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. एंड या परफेक्ट अचीवर. आई थिंक वंस यू एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर हु यू रियली आर विद योर फ्लॉज एंड इम्परफेक्शंस, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड फॉर एनीबडी. बट दिस फील्स Fantastic, and this is so heavy. Like this feels like, kya hai kuch? हाँ, मैं यहाँ पे अगर मैडम सर होती तो किस तरह से अवार्ड लेती, तो उनके स्टाइल में कुछ हो जाए, शायरी तो बनती है. नहीं, अभी तो आई थिंक वाव, आई थिंक आज ये इंजॉय सिर्फ गुलकी करने वाली है. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड या थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय. Oh, I just came on the cover of Perfect Woman magazine for this month, and it feels honor that she is a lovely human, and you know, she's encouraging people, the girls who are really doing great in their fields. And this award which I've got is for Best Actress on OTT and Style Icon plus the Style Icon. So I'm really glad that people are really loving Tu Zakhm Hai, and people are loving my character of Kavya which I've played. And it was really hard, but you know, when you get awarded for different your work, and I think it's very fulfilling after that. So I'm really happy that I've got the award for the work which I've done. And thank you for always you know, marking me as style icon. Thank you for that. एक साउथ फिल्म है, अभी जब रिलीज होगी, जब होगा तब बताना, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा. सो दैट्स देयर. एनी एल्स? थैंक यू, बाय. वेल, आई एंड परफेक्ट वुमन गो बैक अ लॉन्ग वे, एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ देयर इवेंट्स. आई हैव रिटन फॉर देयर मैगजीन एंड आई हैव ऑल्सो फीचर्ड ऑन देयर कवर, सो ट्वाइस आई थिंक. So it's always a pleasure to associate and collaborate with them. And today I'm a jury member at the Perfect Mrs. India pageant here today. And I'm very excited for the girls to reproduce what I taught them in the workshop yesterday. So here's hoping they'll put their best foot forward. Yeah, as far as I'm concerned, it's a bit of a comeback to acting. I used to do a lot of theatre with Alec Padamsi and Gary Richardson. And unfortunately, Alec is no more and Gary has migrated back to America. So I recorded a monologue recently and I uploaded it on my Instagram, which is Pooja What Is This Behavior 2022. If you're not following it, you're missing out. So I got like an amazing response of 1 lakh views within 24 hours. So everybody really does want to see me get back to acting. So I'm currently working on a short film, which I hope to screen at international film festivals. I have a music video coming up, and I also have an interesting web series which is in the pipeline. So yeah, those are some of the projects I'm currently working on. Did you? I mean, it's actually the Perfect Woman Award, but they're also giving Perfect Achievers, and they're giving me this award for, you know, iconic versatile actor. मुझे लगता है मैंने आई डोंट थिंक आई एम दैट वर्सेटाइल एंड आई लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बट आई एम आई कैन ओनली बी थैंकफुल कि आई हैव गॉट इट. ओके, वो तो हम सब जानते हैं. मतलब लॉकडाउन के बाद तो हमको मालूम ही है कि आज की डेट में ये एटलीस्ट छोटे शहर के कलाकारों में ये हिम्मत है कि हम आके यहाँ काम करें, और अगर काम नहीं भी कर रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपनी तहसीलों में लेके अपने ऑडिशन, अपने वीडियो भेज सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स. कास्टिंग डायरेक्टर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो वो एक अच्छी बात है. मतलब मैं तो लगता कि अच्छा ही है. मेरा शो तो चल ही रहा है बंगाल पे, मीडिया सरकार एमएक्स पे. मेरा अभी वेब सीरीज लॉन्च हुई है जख्म, अभी राणा नायडू आएगा नेटफ्लिक्स पे, अम्मा आएगा वूड
पे विक्रम भट्ट की 1923 पार्ट है. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनुषा जी एंड फॉर गिविंग दिस अवार्ड एंड परफेक्ट वुमन मैगजीन जिन्होंने एक एवरेस्ट को लेके बना फिल्म जो बंगाली में बना था उसको रिकॉग्नाइज किया और मुझे यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया एक फिल्म के लिए जो बंगाली फिल्म है. बट उसका रिकॉग्निशन मुंबई में होगा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू दैट थी. पार्डन. ओके तो सबसे पहले तो परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड के पूरे टीम को ऑर्गेनाइजर्स को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. और जिसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया है वो मेरा अभी एक शो आया है Z5 पे मुखबिर, उसके लिए मुझे ये बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड दिया गया है. मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ. अपने मेकर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को, सबों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ उस रोल के लिए, कास्ट करने के लिए मुझे और इतना अच्छा मौका देने के लिए जिसके लिए मुझे इन लोगों ने रिकग्नाइज किया. शिवम नायर उसके शो रनर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर जो हैं इन लोगों सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ. थैंक यू. देखिए अभी मैंने एक बात बोली है कि ये कोइंसिडेंस है कि 12 साल आज मैगजीन को कंप्लीट हो रहे हैं और 12 साल के बाद हमने शादी की है तो कोइंसिडेंस है. और कोई भी सम्मान मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है. और थैंक यू मैगजीन वालों को, थैंक यू अनुषा जी को, ये तो फैमिली के पार्ट हैं कि जो ये सम्मान मिला यहाँ पे. तो मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में एक अच्छी फीलिंग होती है जब भी आपको कोई सम्मान मिलता है. तो क्या बोलेंगे? अभी संग्राम जी ने बोल दिया है तो यू हैव टू, इट्स माय टर्न टू स्पीक. मैं एक अच्छी आदर्श बीवी की तरह इनको पहले बोलने दे रही हूँ क्योंकि हमें आज पावर कपल का अवार्ड मिला है, कपल का अवार्ड मिला है. सो ऑल आई वांट टू से इज वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हु इज फेलिसिटेटिंग अस बिकॉज अवार्ड एप्रिसिएशन का अच्छा लगता है और पावर कपल ये एप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा नई है और बहुत ज़्यादा अच्छी है. बात तो सही है. चलो थैंक यू के मैंस डे आज तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि हर दिन वुमेंस डे और हर दिन मैंस डे. आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी बट हम इस दुनिया में हैं जहाँ पर हम एक दो दिनों को काइंड ऑफ यू नो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये विमेन डे है, ये मैंस डे है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि विमेंस डे के साथ साथ आज मैंस डे भी मनाया जा रहा है बिकॉज आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी. देखिए भैया अन्यता वाली स्पीच नहीं है बाकी. क्यों आपकी स्पीच हमारी स्पीच नेता वाली. हाँ जेंडर इक्वालिटी. बाकी क्या है कि जो भी हम ये सोचते हैं कि अचीवर को अवार्ड मिलता है, अचीवर सब हैं. अचीवर हर वो इंसान है जो अपने आप में बिलीव करता है. अवार्ड लेना, मेडल जीतना, ट्रॉफी जीतना खाली अचीवर नहीं है. जो लगातार कोशिश करता है सब अचीवर है. तो बस आप कोशिश करते रहो, जो आपके सपने हैं उनको देखते रहो और एक अच्छे इंसान बन के उनका पूरा करने की कोशिश करते रहो. इससे बड़ा तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं और फिर ऊपर से अवार्ड तो मिलते ही रहते हैं. थैंक यू सो मच. आई वॉज जस्ट राइट नाउ इन IIM रोहतक. मैं एक टेडेक्स की स्पीकर थी एंड मैं वहाँ पर अपनी जर्नी शेयर कर रही थी एंड द थीम वॉज वन स्टेप फॉरवर्ड. तो इस थीम के अनुसार मैं भी अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वन स्टेप फॉरवर्ड ले रही हूँ क्योंकि हमारी शादी हो गई, हमारे 4 रिसेप्शन हो गए तो अभी हमें काम करना है बिकॉज बेसिकली हम दोनों यू नो वर्कोहॉलिक पीपल है. हम काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. सो आफ्टर दिस नाउ लेट यू नो एज आई फाइनलाइज व्हाट इज़ माय नेक्स्ट थिंग. बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है मगर अभी बता नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट के उसमें हैं, हम दायरे में हैं तो जल्दी ही आप सबके साथ रिवील करेंगे. थैंक यू. थैंक यू. एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी मुझे ये अवार्ड मिला है.
एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड बेसिस बेस्ट एक्टर अवार्ड है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं भी उतना परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है बट सो थोड़ा तो परफेक्ट हूँ सो आई एम वेरी हैप्पी। नहीं एक्चुअली वेब सीरीज मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, अभी दो मूवी आ भी रही हैं और मेरी एक वेब सीरीज आ भी रही है जुबिली, सो आगे का प्लान कुछ नहीं, मुझे एक्टर ही बनना ही, एक्चुअली दिस इज माई पैशन एंड करियर बोथ। हाँ जी तो माय नेम इज पुरंजय खन्ना, माय नेम इज पुरंजय खन्ना एंड आई जस्ट वन द अवार्ड फॉर ऑथर ऑफ द ईयर। माय बैकग्राउंड इज आई एम प्राइमरली अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस बट व्हाट आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट इज आर्ट एंड राइटिंग। What I did over the last few years during the time of COVID was I wrote a series of, rather collection of 110 poems which I got together to create a book called Second Star. And it's a book about hope, about happiness, about finding joy in the smallest of things. Even in the darkest of times, there's always hope that can be found. So I'm beyond humbled to have gotten this award today because it shows that all of my hard work and all my thoughts were not a waste. It has been acknowledged and I'm beyond honored to have received it. So you recently write the book name, I don't know, but Second Star. Second Star. How is most exciting? Another book also coming in? Hopefully, yes. I've already started writing the next book. I'm hoping to write a trilogy of books. I've already got the story in my head and I'm writing it down right now. It'll take a little time, but I will definitely have something more to show within the next year or 2 years, for sure. Thank you. Thank you very much, everyone. I am very surprised, first of all, to get this award here. And thank you, Khushi, for this surprise. And on a much prior notice, I would just like to tell you that I am much more happy because my father is here today and he never comes for any show and today he's come here and I've got this award, so yeah, he's like my lucky charm for today. And yeah, that's it. I would just give one message to every woman: just be confident, love yourself to the fullest and just be yourself. I think that's the best thing you can wear on yourself. Tell about the upcoming your projects. Yeah, so my movie is going to come, the movie's name is Rajni, the movie's name is Jailer, it's with Rajni Kant. I am playing the daughter and my name is Preeti in the movie. So please do watch, it's going to release next year, 2023. Thank you. That's what I'm saying. Matlab, for me, getting this movie, trust me, it's been like 14 years of struggle in this industry and I've got this chance. And even if it is last, I would say, even if it's a last movie, I would say I am very glad to get this because people literally died to even stand next to him. And I've got a chance to be his daughter. I am very thankful to God. Thank you so much. Hi, this is Ojit Rajani and I'm really grateful to Perfect Woman and to Khushi ma'am for acknowledging so much talent every year after year. I think she gives a chance to all the lovely working women and I think... I think सबसे ज़्यादा हम खुशी जी का शुक्रिया करना चाहेंगे कि वो हर साल कितनी टैलेंट को वेलकम करते हैं, हमें आज अवार्ड मिला है फॉर बीइंग द मोस्ट क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। सो आई थिंक आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई फील कि ये साल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज हमने हमारे मम्मी डैडी को खोया है जून में, बट उनके आशीर्वाद अभी भी हमारे सर पे हैं और अभी भी हमें बहुत सारी तरह की कामयाबी मिल रही है। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एंड टू खुशी मैम एंड टू परफेक्ट वुमन। I think Lockdown is a very kick-ass show because I think वहाँ पे भी I think the way Kangana handles the whole show and Ekta I think it's her mastermind. I think it's very nice कि ये बहुत ही हटके show है जहाँ पे
हर एक इंसान को अपनी राइट और रॉन्ग साइड दिखाने का मौका मिलता है. तो आई थिंक क्यूडोस टू दिस शो. आई थिंक वो लोग हमेशा ट्रेंडिंग है. अभी आज की न्यूज में वो दुबई में उन्होंने घर खरीदा उसके बारे में भी बहुत ही न्यूज है. आई थिंक कीप रॉकिंग करण एंड यू नो योर रियली अ रॉक स्टार. बिकॉज़ मैंने करण के साथ काफी काम किया तो बोथ ऑफ देम रियली नीड टू किक ऐस. थैंक बचपन से यही तमन्ना थी कि कभी किसी पेजेंट में मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ और सिर्फ चल पाऊँ और वो एक ट्रॉफी ले पाऊँ. ये दिल से तमन्ना थी मुझे. स्कूल में कॉलेज में जब मैं बड़ी हो रही थी तो लोग मुझे चिढ़ाया करते थे कि हाँ ये खाती पीती रही इसको तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है वगैरह ऐसा ब्यूटी पेजेंट वगैरह सब में पार्टिसिपेट करना है. बट मैंने उनकी बात नहीं मानी. मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. एक ना एक दिन पहले नहीं हो सका दे सही बट आई एम सो हैप्पी कि इस फेज में मैंने ये ट्रॉफी जीत पाई. क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर के बारे में जो इतना बड़ा. मैं इनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे अपना जो एक ख्वाब था जो हमने कभी बचपन में सोचा था जो हम तब पूरा नहीं कर पाए जब कॉलेज में थे तब पूरा नहीं कर पाए. शादी हो गई बच्चे हो गए लेकिन फिर भी इस मुकाम पर आके हमें ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिलाया है जहाँ पे हम अपना टैलेंट बता सके हम क्या है अपनी बात रख सके. दिस इज रियली रियली वेरी मच ऑनर फॉर अस विथ ग्रैटिट्यूड लॉट ऑफ थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर. इन्होंने जो हमारे लिए किया है इन्होंने अलग अलग सेशंस हमारे लिए ऑर्गेनाइज किए थे जिनकी वजह से हमारे में बहुत डिफरेंस महसूस हुआ. हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारी जो सोच थी एक परफेक्ट वुमेन को लेके हम हमेशा सोचते कि परफेक्ट वुमेन एक सुंदर स्त्री क्या होती है. हम सोचते सिर्फ एक सुंदरता. ये सुंदरता ऐसे नहीं होती है कि ज़रूरी नहीं है कोई बहुत सुंदर दिखने वाली औरत जो परफेक्ट वुमेन है सुंदर हो या उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो या कुछ फाइनेंशियल स्टेटस हो ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट कि आप कोई भी हो जो अपने मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करती है जो अपनाती है और उसको इम्प्रोवाइज करती है वो भी एक परफेक्ट वुमेन होती है. साइलेंस 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 पापा ने रखा था टॉम बॉय जैसा लेकिन ये फैशन
परफेक्ट मिसेस वुमेंस इंडिया में आके इतना अच्छा लग रहा है कि अरे हाँ मेरे में भी कुछ टैलेंट है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ. और मेरे जैसे जो एकदम से कंफ्यूज रहते हैं ना, वो लोग को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो लेडी को मैं और आगे लेके आऊँगी. ये प्लेटफॉर्म मिला है तो उससे और ज़्यादा आगे जाके गीत मैडम थैंक यू आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने हम लोग का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया है. जहाँ पे हम कुछ बोल भी नहीं पाती थी, मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ लेकिन मुझे थोड़ा भी भाषण देने नहीं आता है तो डर लगता था, अरे मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, आगे क्या करूँ बस. लेकिन यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म. वहाँ पे जब स्टेज पे खड़े थे तो दिल में धक 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 बहुत जोर से हो रही थी, लेकिन इन्होंने इतने सारे सेशन इतने अच्छे लिए हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है. पूरी डर निकल गया है, जो डर था दिल से पूरा निकल गया है. थैंक यू मैम. आप क्या कहना चाहेंगे द परफेक्ट वुमन, आप बस चला के इतना ही आदर को क्या कहना चाहेंगे, और खुशी मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर गीता मैम खुशी मैम है तो हम यहाँ पर है, बाकी पॉसिबल ही नहीं था. बचपन में मुझे भी ये कॉम्प्लेक्स था, मेरी सिस्टर गोरी थी, काली थी, टॉम बॉय थी, तो ये सब था ही नहीं ब्यूटी के बारे में. लेकिन अभी गीता मैम और खुशी मैम की वजह से यहाँ इनर ब्यूटी की वजह से मैं यहाँ हूँ. थैंक यू खुशी मैम क्या कहना चाहिए? और यहाँ आप देखोगे ये पेजेंट मैं किसी के साथ में तुलना नहीं करूँगी, पर मैं जरूर ये कहूँगी कि इन औरतों को जो प्लेटफॉर्म की जरूरत है वो ही कोशिश है कि परफेक्ट वुमेन उन औरतों को वो प्लेटफॉर्म दें जो डिजर्व करते हैं, जो रियल वॉरियर है अपनी लाइफ में, जो सचमुच में कुछ कर दिखाती है, जो अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, दे ऑलवेज ऑन स्क्रीन. उसके लिए कोई लैंग्वेज एक क्राउन को हासिल करने के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट पर्सन शुड बी वेरी टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स एंड इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेजेस, उनके जो जेस्चर्स हैं, लेकिन एक चीज़ है उनका कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि वो औरत अपने परिवार के लिए जो करती है शायद बहुत अच्छे अच्छे उत्तर नहीं कर पाते, तो जो चीज़ उन्होंने अचीव की है उसके लिए उनको सराहा है. ये हमारी कोशिश है कि उनको वो तरीके का हैप्पीनेस हम दे सके जिसके वो करता है. बहुत कठिन है मैम इतने टैलेंट को ऊपर लाना, और कितना परिश्रम करना पड़ता है इसे लोगों को ढूंढ करके लाना, और इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? बाहर जाकर के तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसी फिल्में नहीं बनती, बहुत सारी रियलिटीज हैं छुपी उसके पीछे, तो सिर्फ इतना है कि उस सारे डायमंड्स को तराशने की जरूरत है, वही कोशिश है. Thank you.